तक चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कांग्रेस। देखिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो डरा हुआ है, हताश है। ये उन जिस सीट को अपना गढ़ कहा करते थे अमेठी और रायबरेली, वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी को कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने तो पहले ही नकार दिया, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं है। अमेठी और रायबरेली की जनता को दगा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जी जिस अमेठी को अपना घर कहा करते थे उसी घर को छोड़ के चले गए। जवाब देना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि आखिर उन्होंने अमेठी और रायबरेली के साथ ऐसा क्यों किया। क्या केवल अमेठी और रायबरेली से उनका चुनावी रिश्ता था? क्या केवल मतलब के रिश्ते के लिए उन्होंने अमेठी और रायबरेली को अपना बताने का काम किया था? अमेठी और रायबरेली की जनता देख रही है, प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि जिस सीटों को अपना गढ़ कहा करते थे उन सीटों के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया साफ दर्शाता है कि राजनीति के प्रति तनिक भी गंभीरता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनका लक्ष्य एकमात्र होता है कि समाज की राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इन्होंने हमेशा हम सबको प्रेरित किया है कि समाज के बीच रह के समाज के जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं उनको हल करना, उनको पूरा करना, ये हम सबका दायित्व तो है। वो जो चुनावी जो सभाएं उनकी हो रही हैं, लोकसभा के दृष्टि से उनको प्रवास हो रहे हैं, निश्चित तौर पे उनके माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के इन प्रवास से हमारे संगठन के कार्यों को और गति मिलेगी और बल मिलेगा। माननीय गृहमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा हमने समाज की उन्नति, समाज के विकास और समाज में विश्वास की भावना जागृत करने के साथ काम किया है और हम इसी लक्ष्य के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। राहुल गांधी ने अपने की गरिमा भूल गए। चुनाव में हार का डर किसको है ये तो जनता जानती है। अमेठी में अगर राहुल गांधी जी को चुनाव में डर का हार नहीं होता तो अमेठी से वो चुनाव लड़ रहे होते। चुनाव का हार का डर का कारण ही है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के नेता हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं चुनाव बनारस से, और बनारस की जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है। 400 पार के आंकड़े के साथ हम फिर से देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस आज एक डूबती हुई नाव है और तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी समाज की उन्नति और विकास के लिए काम कर रही है। एक आंकड़ा किया और कांग्रेस की प्रशंसा की, ये अपने आप में देश की जनता देख रही है कि एक तरफ देश की जनता विकास के लिए मोदी जी को लाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से जो हमारे ऐसे देश है जो हमारे भारत का भला नहीं चाहते वो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पसंद कर रहे हैं, अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है।